अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फाकत क्यानी और फाकत क्यानी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों आज पाकिस्तानी पीसी सेटअप वार का एपिसोड नंबर 7 है और अगर आप भी अपने सेटअप को फीचर करवाना चाहते हो और इस पाकिस्तानी पीसी सेटअप वार में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो वीडियो जाकर देखो। वहाँ पर मैंने सारा कुछ बता दिया कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपने अच्छी अच्छी वीडियोज़ क्लिप्स भी है वो साथ में ज़रूर भेजने हैं जो कि उस वीडियो में मैंने नहीं बताए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह पाकिस्तानी पीसी सेटअप वार का एपिसोड नंबर 7। तो दोस्तों आज का जो पीसी सेटअप हमें आया है ये कराची से आया है जो कि भेजा है जवाद खान ने। तो ये एक मिड रेंज का पीसी सेटअप है, गेमिंग पीसी सेटअप है जो कि भाई ने जवाद खान ने भेजा और जिनकी एज है 18 साल और कराची में कहीं भाई रहते हैं। तो आज इनके सेटअप को देखते हैं कि इन्होंने अपने सेटअप में जो कौन कौन से ये पीसी कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, सेटअप में इनको ग्राफिक कार्ड कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है और सारी जितनी डिटेल है सारी आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप भी अपने सेटअप को जो है थोड़ा अपग्रेड कर सको, अपने सेटअप को इन सेटअप्स को देख करके थोड़ा बेहतर बना सको। तो सबसे पहले हम पेरीफिलर्स की बात कर लेते हैं। पेरीफिलर्स में सबसे पहले आता है मॉनिटर। तो भाई एसूस का 24 इंच का मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं जो कि 1080p में आता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और जो कि जिसका रिस्पांस टाइम जो 2ms होता है। तो ये वाला मॉनिटर भाई यूज़ कर रहे हैं। जवाद भाई जो माउस यूज़ कर रहे हैं वो रेड ड्रैगन का ग्रीफन यूज़ कर रहे हैं जो कि 7200 dpi के साथ में माउस आता है। कीबोर्ड यहाँ पर ये टी डगर का कार्वेट जो कि फुल मैकेनिकल कीबोर्ड है जो कि एक सिंगल लाइट में आता है, ये RGB वगैरह तो नहीं होता, सिंगल लाइट कोई भी आप अपनी मर्जी से इसमें आप ऑन ऑफ कर सकते हो। हेडसेट यहाँ पर भाई जो है वो रेड ड्रैगन का Siren 2 यूज़ कर रहे हैं और भाई के पास कोई भी एक्स्ट्रा स्पीकर वगैरह नहीं है, सिर्फ हेडफोन से ही अपना काम चला रहे हैं। और जो भाई ने अपना जितना भी सारा सेटअप है ये एक कंप्यूटर टेबल पर इन्होंने रखा हुआ है, जो कंप्यूटर टेबल जिसके साथ में जो कीबोर्ड माउस की ट्रे भी आती है वो वाला टेबल यूज कर रहे हैं। तो अब भाई के पीसी स्पेक्स और जो इनका कैबिनेट है उसकी सारी बात कर लेते हैं कि पीसी के अंदर इन्होंने क्या क्या लगा रखा है। सबसे पहले तो इनकी विंडो जो है वो विंडोज 10 प्रो इंस्टॉल कर रखी है। तो भाई जो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं ये MSI का S310M Pro VDH Plus मदरबोर्ड है जो कि तकरीबन मेरे ख्याल से 12,000 से 15,000 के बजट में मिल जाता होगा मार्केट से, ये वाला यूज कर रहे हैं जो 8 और 9 जनरेशन को सपोर्ट करता है। और प्रोसेसर यहाँ पर जो भाई यूज कर रहे हैं इंटर i5 9400F वाला यूज कर रहे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 26,000 के आसपास ब्रांड न्यू की होगी, 9 जनरेशन का प्रोसेसर है। तो CPU कूलर जो नॉर्मल एक स्टॉक कूलर होता है जो प्रोसेसर के साथ में आता है वही वाला भाई ने लगा रखा है, कोई एक्स्ट्रा और जो RGB वगैरह नहीं इसमें डाला है इन्होंने। तो भाई ने रैम जो है टोटल 16 GB लगा रखी है जो कि 2600 MHz पर, यानी कि 2666 MHz पर जो कि क्लॉक्ड है RGB रैम भाई ने लगा रखी है। और हार्ड डिस्कें भाई ने 2-2 TB की जो है वो 2 हार्ड डिस्कें लगा रखी है, यानी कि टोटल जो है वो 4 TB जो है सिर्फ हार्ड डिस्कों में भाई की स्पेस बन जाती है। और जवाद भाई ने एक 128 GB की SSD भी लगा रखी है जिसमें इन्होंने लाजमी बात है कि जो अपनी विंडोज़ वगैरह जो गेम्स और सॉफ्टवेयर होते हैं वो इन्होंने SSD में ही इंस्टॉल किए होंगे। पावर सप्लाई भी यहाँ पर जवाद भाई जो 600 वोल्ट की यूज़ कर रहे हैं, इन्होंने ब्रांड वगैरह कोई मेंशन नहीं किया है ये कौन से ब्रांड की पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। और जो कैबिनेट भी भाई यूज़ कर रहे हैं ये एक RGB कैबिनेट है जो कि इसका भी ब्रांड का भाई को पता नहीं है, यानी कि उसके कैबिनेट पर कोई भी ब्रांड मेंशन नहीं है। कुछ ऐसे कैबिनेट्स वगैरह आते हैं जिनके ऊपर कोई ब्रांड मेंशन नहीं होता जो कि थोड़े सस्ते मिल जाते हैं मार्केट से, तो इस तरह का भाई का एक कैबिनेट भी है जिसके ब्रांड वगैरह का इनको नहीं पता है। तो ये वाली बिल्ड आपको मैंने जो दिखाई है ये 9th generation की 16 GB रैम के साथ जिसमें ग्राफिक कार्ड भी लगा है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में सबसे जरूरी चीज के बारे में जो हक है ग्राफिक कार्ड। तो भाई ने जो ग्राफिक कार्ड लगा रखा है जवाद भाई ने वो एकदम अभी तो बिल्कुल मतलब एक परचेज करने की उसकी पोजीशन रही नहीं है, इतने महंगे हो चुके हैं भाई। ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं GTX 1660 Super। आई थिंक कि मेरे ख्याल से इसकी प्राइस अभी 1,00,000 के करीब ही होगी, 1,00,000 से शायद ऊपर भी हो सकती है, लेकिन 1,00,000 के अराउंड अबाउट इसकी प्राइस चल रही है। तो 1660 Super भाई ने ग्राफिक कार्ड लगा रखा है जो कि इनके सिस्टम में एक किस्म से जान सी डाल देता है। तो दोस्तों ये था एपिसोड नंबर 7 पाकिस्तानी पीसी सेटअप वार का जिसमें ये सेटअप हमें भेजा था जवाद खान ने कराची से। तो अगर आप भी अपना सेटअप भेजना चाहते हो और अपने सेटअप को फीचर करवाना चाहते हो पाकिस्तानी पीसी सेटअप वार के एपिसोड्स में तो नीचे लिंक दिया हुआ है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वो जाके वीडियो देखो। वहाँ पर मैंने सारी डिटेल बता दी कि आप अपने सेटअप को मुझे कैसे भेज सकते हैं। आपने वीडियोज़ क्लिप लाजमी से मुझे साथ में भेजने, एक रेयर फाइल बना के जो आप गूगल ड्राइव में अपलोड करके उसका लिंक मुझे भेज दें, तो ताकि उस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया कि आपने वीडियो क्लिप्स भी भेजने, तो मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। तो जब भी आप अपना सेटअप भेजो साथ में जो है वीडियो क्लिप्स को अटैच ज़रूर करना है ताकि हम एक अच्छी सी वीडियो आप दोस्तों के लिए बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पाकिस्तानी पीसी सेटअप वार के एपिसोड नंबर 8 के साथ। तो बहुत सारे सेटअप मुझे आए हुए हैं, मैं इतने ज़्यादा आए हुए कि सबको मैं शामिल नहीं कर पा रहा हूँ भाई, जिन दोस्तों के अभी तक मैं फीचर नहीं कर पाया हूँ
उनको मैं सॉरी बोल रहा हूँ, बहुत जल्द मैं उनके सेटअप को भी, वो अपने पीसी सेटअप, पाकिस्तानी पीसी सेटअप वार के किसी न किसी एपिसोड में जो है मैं फीचर ज़रूर से कर दूंगा। तो मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़।